हाय दोस्तों, कैसे हो? मजे में हो? हम भी मजे में, आप भी मजे में। तो चलो, आज ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये कौन कहता है? सो देखो, मिस्टर हैप्पी पर्सन इज गिविंग अ हैप्पी फेस टू यू। वी विल डील विद द इनकम फ्रॉम सैलरी हियर। तो देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ये हैप्पी पर्सन क्या कहता है कि एक बार घूम तो लो। तो ये हैप्पी पर्सन एक बार घूम लेता है और बताता है कि आपको यहाँ पे मजेदार सेक्शंस देखने पड़ेंगे टू डील विद द इनकम फ्रॉम सैलरी। तो चलो वो देखते हैं कि सेक्शन कौन से है। तो फर्स्ट सेक्शन होता है 15, कि जो आपको बताता है कि सैलरी टैक्सेबल कैसे करना है। तो इसको कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। दूसरा सेक्शन होता है सेक्शन 16, ये हमें बताता है डिडक्शंस फ्रॉम द सैलरी। सैलरी से डिडक्शंस कितने मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ये 16 बताता है। और बाद में आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यही तो आपको देगा सैलरी की डेफिनेशन, यही तो आपको बताएगा कि सैलरी में क्या-क्या आता है। तो सबसे पहले शुरुआत तो 15 से ही होनी चाहिए, बट मैं सेक्शन 17 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि 15 में बहुत बार वर्ड लिखा हुआ है सैलरी, बट 17 बताता है कि मीनिंग ऑफ सैलरी, डेफिनेशन ऑफ सैलरी। तो पहले 17 पढ़ेंगे, बाद में 15 पे जंप करेंगे। चलो तो फिर चलते हैं आगे। करेक्ट। तो ये हैप्पी पर्सन हमें बाय बाय करने वाला भी। ओके, गया हैप्पी पर्सन। सो आगे, सो इस वीडियो में अभी हम देखेंगे सैलरी का डेफिनेशन। करेक्ट। तो सैलरी का डेफिनेशन देखने के लिए प्रॉब्लम किसको है? किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम आया होगा यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे है, ये है मिस लीली। अभी लीली कहती है कि सैलरी क्या है, भाई बताओ एक बार, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चार बार बोल रहे हो सैलरी सैलरी सैलरी, बताओ एक बार मुझे सैलरी क्या होती है। तो वेट, लीली को बोलो गुस्सा मत करो, हम आपको सैलरी बताएंगे। करेक्ट। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि लीली कहीं पे तो जॉब करती है। तो मैंने यहाँ पे फैक्ट्री बना दी, तो ये है विवान प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड है, वहां पे लीली वर्क करती है एज एन ऑफिसर करके। ठीक है, फिनेंशियल ऑफिसर तो नहीं है, फिनेंशियल ऑफिसर होती तो उसको सैलरी पता होता। तो वो सेल्स मैनेजर है या तो कुछ अलग है। मान लीजिए आप कि वो विमान प्राइवेट लिमिटेड में वर्क करती है, फिर भी उसका वैसा ही डेफिनेशन है कि सैलरी होती क्या है। तो बताओ उसको सैलरी बतानी है। तो वो कहता है कि मतलब डिपार्टमेंट कहता है कि वेट, करेक्ट, लिखा हुआ है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो लीली को कहता हूं मैं कि भाई रुक जा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हम सैलरी का डेफिनेशन लर्न करेंगे। तो कौन सा आता है यहाँ पे? तो फर्स्ट पार्ट सेक्शन 17। मैंने पहले ही कहा था कि हम सेक्शन 17 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सैलरी इंक्लूड्स, देखो यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है, तो बट ऑब्वियसली ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर फ्यूचर में कोई एटम ऐसा आता है कि जिसके अगेंस्ट हम सैलरी में चार्ज कर सकते, जिस एटम को हम सैलरी में कंसिडर कर सकते, तो वो भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो सैलरी का डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया हुआ है। करेक्ट। तो आगे आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि सैलरी के डेफिनेशन में फर्स्ट पार्ट आता है वेजेस। वेजेस मतलब नॉर्मली रेमुनरेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। तो मैंने ये वर्ड कहा है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, का मतलब होता है कि जब आपको ये इनकम करना ही होगा तो वहां पे रिलेशनशिप जरूरी होनी चाहिए। कौन सी? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। मतलब जैसे कि लीली, लीली इज वर्किंग विद द विवान प्राइवेट लिमिटेड, तो लीली यहाँ पे एम्प्लॉई बन गई और विवान प्राइवेट लिमिटेड एम्प्लॉयर बन गया। तो वहां पे वेजेस भी दे सकते हैं। ठीक है। सो बाद में आता है एनी एन्यूटी और पेंशन, ये तो रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए ना। एनी एन्यूटी, एन्यूटी मतलब सीरियल इक्वल पेमेंट्स, पेंशन की भी मतलब सीरियल इक्वल मंथली पेमेंट्स होता है। एन्यूटी में भी एन्यूअल रहेगा, पेंशन मंथली भी रहता है। करेक्ट। और नॉर्मली पेंशन मंथली ही होते, तो ये होते रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायर होने के बाद ही आपको सारा मिल जाएगा। करेक्ट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट आ गया, तो रिटायरमेंट बेनिफिट भी सैलरी में कंसिडर होगा। एनी ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी भी रिटायरिंग टाइम पे मिलता है। ग्रेच्युटी एक फंड होता है कि जो एम्प्लॉयर जनरेट करता है, करेक्ट, ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। और ये ग्रेच्युटी फंड में जितना ईयर ऑफ सर्विसेज होता है
उसमें वो चला जाता है हमेशा, सम अमाउंट हम हमेशा ट्रांसफर करते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रेच्युटी। और ये ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ आपको रिटायरमेंट मिलता है, और ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा तो बट ऑब्वियस है वो टैक्सेबल ही होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। बाद में आता है कि एनी फीस, एनी कमीशंस, परक्विजिट, फीस, कमीशन, सेल्स मैनेजर, जैसे कि अभी लीली सेल्स मैनेजर है, उसको कमीशन मिलेगा जितना वो सेल्स अचीव करेगी उतना। परक्विजिट मिलेंगे, परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट्स अदर देन सैलरी। धीरे धीरे परक्विजिट करेंगे, आपको समझ में आ गया, आ जाएगा, क्योंकि सेक्शन 17 में परक्विजिट का भी डेफिनेशन दिया हुआ है। तो परक्विजिट करेंगे, प्रॉफिट इन लिव ऑफ और इन एडिशन टू द एनी सैलरी और वेजेस। ओके, प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी और इन एडिशन ऑफ सैलरी एंड वेजेस, मतलब ये एडिशनली प्रॉफिट मिलता है, बट क्यों मिलता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप के वजह से मिलता है। तो ये चार चीजें होगी, फीस हो गया, कमीशन हो गया, परक्विजिट हो गया और प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी हो गया। तो ये सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे एज ए सैलरी करके। तो धीरे धीरे अभी लिली का क्या हो गया, क्वेश्चन दिमाग से बाहर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है अभी कि हाँ भाई, ये भी सैलरी में आता है। अभी यहां तक नहीं है, और भी है। देखो, एनी एडवांस सैलरी, ओके, मतलब आपने फ्यूचर जो सैलरी होती है, मतलब अगले महीने की, अगले साल की सैलरी आपको आज ही चाहिए, तो बट ऑब्वियस से आपको एडवांस सैलरी मिल जाएगा और वो भी टैक्सेबल हो जाएगा इसी साल में, करेक्ट। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर नेक्स्ट ईयर का सैलरी आज ही कंसिडर करेंगे तो नेक्स्ट ईयर फिर से टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, कहीं पे तो एक बार टैक्सेबल करना है। ये चीज हमें कौन बताता है? ये चीज हमें सेक्शन 15 बताता है। तो सेक्शन 15 जब आएगा तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे एडवांस सैलरी तक रुक जाओ। उसके बाद ये चीज आती है, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी पीरियड ऑफ द लीव नॉट अवेल बाय हिम। लीव नॉट अवेल बाय हिम, नॉट अवेल का मतलब होता है छुट्टियां। हर कंपनी हर एम्प्लॉयज को छुट्टियां देती है कि साल में 30, साल में 40, 40 छुट्टियां आपको पेड लीव्स है। पेड का मतलब आप उस दिन नहीं भी आओगे तो भी आपको वहां पे आपको सैलरी और पगार मिल जाएगा। तो लीली तो हंस पड़ी, अरे वाह अच्छी बात है, जब मैं काम पे आऊंगी नहीं तो फिर भी मुझे पगार मिलेगा। बट वो लिमिटेड होती है, 40, ओवरऑल ईयर में 40 आपको छुट्टियां मिल जाएंगी, अदर देन आपकी ये ओकेजन्स और ये हम कहते हैं दिवाली वगैरह वगैरह, वो छोड़ के एडिशनली आपको मिल जाती है छुट्टियां। तो सपोज वो आपने लिया तो ठीक है, नहीं लिया, छुट्टियां नहीं अवेल किया, मतलब छुट्टियों को यूज नहीं किया, तो बट ऑब्वियस है वो छुट्टियों का पगार, मतलब जो एडिशनली अमाउंट होगा वो भी हमें मिल जाता है। उसको कहते हैं लीव सैलरी, उसको कहते हैं लीव सैलरी। लीव सैलरी या तो दो ऑप्शन है बच्चों, या तो आप लीव भेज भी सकते हो ड्यूरिंग द ईयर कि सर मेरी ये छुट्टियां 10 दिन पड़े हुए हैं छुट्टियों के, इस साल मुझे ये छुट्टियों का पगार कैश में दे दो, क्योंकि मैं तो वो 10 दिन आई थी काम पे, तो वो 10 दिन का पैसा तो मिल ही जाएगा आपको, प्लस 10 दिन का जो छुट्टियां आपके क्रेडिट में पड़ी हुई है तो उसका भी पैसा आपको मिल जाएगा। उसको कहते हैं लीव एनकैशमेंट, छुट्टियां बेचना होता है। बट लीव सैलरी कब मिलता है? लीव सैलरी आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट। लीव सैलरी एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट मतलब सारा ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपने 15 साल वर्क किया उस कंपनी में, तो 15 साल में जितनी भी छुट्टियां आपकी पेंडिंग थी वो सारी अकुमुलेट हो जाएगी। मान लीजिए कि पहले साल आपने 10 छुट्टियां पेंडिंग है, दूसरे साल 5 छुट्टियां पेंडिंग है, तीसरे साल 3 छुट्टियां पेंडिंग है, तो मतलब कितना हो गया, 10, 5, 3, 18 हो गया, 18 हो गया ना। तो ये 18 छुट्टियां आपकी पेंडिंग ऐसे क्यूमुलेट होते जाएगा और वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कंपनी बंच में करती है और आपको उसका लीव सैलरी करके पेमेंट कर देती है। तो इसको भी हम रिटायरमेंट बेनिफिट ही कहते हैं। तो जैसे कि ग्रेजुटी हो गया, पेंशन हो गया और ये लीव सैलरी हो गया, तो ये आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है। बट लीव एनकैशमेंट, मैंने लीव एनकैशमेंट की वर्ड भी कहा था, वो होती है छुट्टियां बेचना। छुट्टियां बेचना इज ऑलवेज टैक्सेबल, वहां पे कोई आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला। बट लीव सैलरी, ग्रेजुटी, पेंशन के लिए एग्जम्पशन अवेलेबल है, गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन भी देती है, डिपार्टमेंट देता है। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द एनुअल अक्रीशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉइज पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, वैसे देखा जाए तो प्रोविडेंट फंड के लिए दोनों लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एक आप और ऑन बिहाफ ऑफ यू एम्प्लॉयर। एक तो आप मतलब एम्प्लॉय, मतलब लीली करेगी खुद के जेब से डालेगी,
और दूसरी चीज लीली का एम्प्लॉयर मतलब विवान प्राइवेट लिमिटेड, जितना लीली कंट्रीब्यूट करने वाली है उतना ही विवान प्राइवेट लिमिटेड कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो मान लीजिए कि साल भर में लीली ने कंट्रीब्यूट किया 10,000, तो विवान प्राइवेट लिमिटेड भी कंट्रीब्यूट करेगा 10,000 रुपए। बट अभी आप कहोगे कि सर इधर सैलरी कौन आ गया, जो लीली के जेब से 10,000 गया वो तो सैलरी नहीं होगी, वो तो उसका एक्सपेंडिचर हो गया। बट विवान प्राइवेट लिमिटेड और 10,000 उसको दे रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि खुद के 10,000 और विवान प्राइवेट लिमिटेड के 10,000 रुपए मतलब दोनों मिलके 20,000 हो गया। तो उसमें से जो उसने कंट्रीब्यूट किया वो तो टैक्सेबल नहीं होगा, बट विवान प्राइवेट लिमिटेड ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो गारंटी ना आपको टैक्सेबल हो जाएगा। डिपार्टमेंट कहता है कि वो एडिशनली आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि आपके 10,000 जा रहे हैं वो आपका खर्चा, बट आपको 10,000 और मिल रहे हैं आपके एम्प्लॉयर से, तो वो हर साल जो कंट्रीब्यूट होगा वो टैक्सेबल होगा। ऐसी कौन सी चीज है कि वो जो एनुअली एक्रीएशन होती रहती है, तो वो चीज है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें टैक्सेबल होगी। कहां तक, यहाँ पे लिखो लिखा हुआ है टू द एक्सटेंट टू विच इट इज अ चार्जेबल टू टैक्स अंडर द रूल ऑफ 6 पार्ट ए ऑफ फोर्थ शेड्यूल। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फोर्थ शेड्यूल है, उसमें पार्ट ए देखना है, उसमें रूल 6 देखना है, और वहां पे लिखा हुआ है कि कितना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा और कितना एग्जम्प्ट होगा। फिगर एग्जम्प्शन का दिया हुआ है, टैक्सेबल दिया हुआ नहीं, और इंटरेस्ट के बारे में भी एग्जम्प्शन का फिगर दिया है। तो मतलब रूल 6 बताता है आपको कि भाई इतना परसेंटेज है, मैं बाद में बताऊंगा वो कितने परसेंटेज है, बट सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सर्टन परसेंटेज होंगे वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएंगे, बचा हुआ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स का बोल रहा हूं मैं, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, वही आपको टैक्सेबल 101% टैक्सेबल होने वाला है। तो ये हो गया था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आगे देखते हैं, तो देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम रेफर्ड इन सेक्शन 80CCD। यहाँ पे भी वही चीज है, 2003 के बाद गवर्नमेंट ने सबको पेंशन बंद कर दिया, करेक्ट, बट जितने भी उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइन हो गए थे उनके लिए पेंशन फैसिलिटी ओपन कर दिया था। उस कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 80CCD। इस सेक्शन 80CCD में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयी भी कंट्रीब्यूट करता है, मतलब दोनों भी, कि एम्प्लॉयर 10,000 कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयी भी 10,000 रुपए कंट्रीब्यूट करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कंसर्न किसके साथ है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है इस पेंशन स्कीम में वो टैक्सेबल हमें करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो एडिशनली बेनिफिट मिल रहा है टू द एम्प्लॉय। मतलब लीली तो अभी फिलहाल यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉय है, यहाँ पे लीली का तो सवाल ही नहीं आता, दिस इज एप्लीकेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, और एनी अदर एम्प्लॉय में स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकता है, आता ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगा, आप भी कंट्रीब्यूट करोगे, जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो तो एग्जम्पशन हो जाएगा, सॉरी वो तो टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपका एक्सपेंडिचर है, बट द गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 101% आपको टैक्सेबल बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो आपको एडिशनली बेनिफिट मिल रहा है। द लास्ट आइटम ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ सैलरी, देखिए एनी एग्रीगेट ऑफ ऑल सम्स दैट आर कंप्राइज्ड ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस। ट्रांसफर बैलेंस का मतलब भी बताता हूँ, एज रेफर्ड इन 2 of Rule 11 Part A ऑफ फोर्थ शेड्यूल, मतलब इसी का पार्ट है, पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टू विच इट इज चार्जेबल टैक्स अंडर द सब रूल ऑफ 4। डन, ठीक है। अभी ये पार्ट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कैसे होता है ट्रांसफर बैलेंस का मतलब क्या होता है, कि पहले फंड क्रिएट किया जाता है, पहले रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया जाता है, बट उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। पहले प्रोविडेंट फंड क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, या तो कोई गवर्नमेंट का स्कीम भी होता है, तो वो पहले सॉरी बनाते हैं प्रोविडेंट फंड, उसको बाद में रिकॉग्निशन मिलता है। तब तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, जब तक रिकॉग्निशन नहीं मिलता तब तक वो फंड बना रहता है, तब तक हम कॉन्ट्रीब्यूट कंटिन्यूसली करेंगे, बट उसको बाद में रिकॉग्निशन मिलता है या तो गवर्नमेंट से या तो इनकम टैक्स कमिश्नर से। और जब भी इन दोनों में से एक को कहीं पे तो आपको रिकॉग्निशन मिल गया तो उसको कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड।
और जब तक वो रिकग्नाइज नहीं होता तब तक वो टैक्सेबल नहीं होता। जब तक वो रिकग्नाइज नहीं होता तब तक वो टैक्सेबल नहीं होता। तो जिस दिन भी रिकग्नाइज हो जाएगा, जिस दिन भी रिकग्नाइज हो जाएगा, उस दिन का जो बैलेंस होता है, क्योंकि रिकग्नाइज करने से पहले भी कॉन्ट्रीब्यूट किया था ना कुछ अमाउंट, तो वो बैलेंस अभी कन्वर्ट हो जाएगा रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो उसको कहते हैं ट्रांसफर्ड बैलेंस। मतलब मान लीजिए कि रिकग्नाइज करने से पहले 10 रुपए तक कॉन्ट्रीब्यूट किया था हमने, दोनों में 10 रुपया एम्प्लॉयर ने भी किया, 10 रुपीज एम्प्लॉई ने भी किया, तो 10 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करके मतलब 20 रुपया बन गया। बट अभी रिकग्निशन मिल गया, रिकग्निशन मिलने के बाद ये 20 रुपए का कन्वर्ट हो जाएगा, अभी ट्रांसफर हो जाएगा अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर होगा। तो जो 20 रुपया होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ट्रांसफर्ड बैलेंस, एंड दैट 20 रुपीज इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी ऑन द डेट और ऑन द इवेंट ऑफ अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड बिकमिंग अ रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ओके, जब जिस दिन भी रिकग्नाइज बनेगा उस दिन की बात कर रहा हूं। तो इतना सारा वो टैक्सेबल होगा अकॉर्डिंग टू द सब रूल ऑफ 4 देयर ऑफ मींस पार्ट ए ऑफ 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो टैक्सेबल होगा। तो ये हो गया था पूरा लिली का एग्जांपल। मतलब भाई लिली को अभी समझ में आ गया कि सैलरी क्या है, तो लिली अभी खुश है, हाँ भाई ये तो सैलरी का आपने डेफिनेशन बता दिया मुझे, फाइन। तो चलो विल जंप ऑन द नेक्स्ट।